हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है एंड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर कैसे हम बाय सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत सारा केस स्टडी भी एनालिसिस करेंगे। हिस्टोरिकली डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर कहां पे बनेगा, हमको वहां पे बाय करना है, डिटेल्स में आज की वीडियो में हम यहां पे एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट ऑफ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को कैसा है। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो कैंडल ओपन हुआ है ना, ये ओपन हुआ है डोजी, ओके। लेकिन अगर आप बुलिश एंड बियरिश कैंडल देखेंगे तो देखिए, ये जो कैंडल हो गया, ये हो गया बुलिश कैंडल एंड ये जो हो गया, ये हो गया बियरिश। बुलिश हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, प्राइस यहाँ पे नीचे ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था ऊपर जाकर। मतलब अगर स्टॉक का प्राइस नहीं तो इंडेक्स का प्राइस 100 में ओपन हो रहा है एंड 105 में क्लोज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गया ग्रीन कैंडल एंड देखिए ये जो यहाँ पे बना है बियरिश कैंडल। एग्जाम्पल के लिए मानिए, यहाँ पे प्राइस 100 में ओपन हुआ था एंड क्लोज हुआ था 95 में। मतलब अपर लेवल में ओपन हुआ, क्लोजिंग हुआ 95 में, अपर लेवल से यहाँ पे सप्लाई आ गया था जिसकी वजह से यहाँ पे बना है देखिए बियरिश कैंडल। ये तो हो गया बुलिश एंड बियरिश कैंडल। लेकिन अभी हम बात करते हैं डोजी कैंडल, इसका मतलब क्या है। देखिए, ना कि ये बुलिश है ना कि ये बियरिश है, ओके। क्योंकि बुलिश कैंडल जाकर अपर लेवल के आसपास क्लोज होना चाहिए, बियरिश कैंडल नीचे लोअर लेवल के आसपास क्लोज होना चाहिए। लेकिन ये कैंडल ना अपर लेवल में क्लोज हुआ है ना नीचे के लेवल में क्लोज हुआ है, ये क्लोजिंग हुआ है बीच में। मतलब है कि इस कैंडल को हम बोले के इनडिसिसिव कैंडल। इस कैंडल आपको कुछ नहीं बोल रहा है डायरेक्शन। बुलिश कैंडल का मतलब है अप ट्रेंड में प्राइस चलेगा, बियरिश कैंडल है डाउन ट्रेंड में। लेकिन जब डोजी बनेगा इसका मतलब है कि कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये मार्केट जिस भी डायरेक्शन में प्राइस जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में अगर इस डोजी कैंडल बनेगा तो उसका मतलब है कि ट्रेंड वहां पे पॉज हो रहा है या वीकनेस देखने को मिल रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि इनडिसिसिव कैंडल। मैं आशा करता हूं आप डोजी कैंडल क्या है आप समझ पा रहे होंगे। इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। देखिए, डोजी जो है डिफरेंट टाइप का है, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। लेकिन आपको इतना सारा पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बिगनर इनिशियली कंफ्यूज हो जाएगा कि लॉन्ग लेग डोजी कहाँ पे करना है, ग्रेवस्टोन डोजी कहाँ पे देखना है, ड्रैगन फ्लाई कहाँ पे देखना है। ये सारा पॉइंट को अभी के लिए भूल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए डोजी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडल का बॉडी छोटा होना चाहिए। मानिए एक डोजी बना है क्योंकि इसका बॉडी छोटा है, एक डोजी बना है ये भी बॉडी छोटा है। जिस भी कैंडल का शैडो से बॉडी बहुत स्मॉल होगा और कंपेयर करेंगे शैडो के साथ तो लगभग आधे से आधा होगा उसका बॉडी शैडो से, उसी केस में आप उसको डोजी कैंडल बोलेंगे। ये हो गया एक डोजी कैंडल, इसको आप बोलेंगे डोजी कैंडल, इसको बोलेंगे डोजी कैंडल, ये सारा हो गया डोजी कैंडल। इसलिए आप कंफ्यूज मत करिएगा कि कौन सा ग्रेवस्टोन कौन सा लेग लॉन्ग लेग डोजी, ये आपको बस कंफ्यूज कराएगा, ओके। इसलिए इतना कैंडलस्टिक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सम करेंगे तीनों टाइप का, जिसका बॉडी छोटा रहेगा शैडो से आधे से भी छोटा रहेगा उसको हम बोलेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एंड उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेड लेने के लिए आपको 3-4 टूल यूज करना पड़ेगा। जब कैंडल इसी टूल जो अभी हम यूज करेंगे उसके आसपास बनेगा तभी जाकर डोजी काम करता है। अगर आप बीच में किसी भी एरिया में अगर डोजी में ट्रेड करेंगे वहां पे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे भी डोजी बना था, यहाँ पे भी डोजी बना था, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि ट्रेंड का इन बिटवीन आपको देखिए मल्टीपल डोजी देखने को मिलेगा, लेकिन वो डोजी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो हम टूल कवर करेंगे उसी टूल के आसपास डोजी बनना चाहिए, वहां पे जाकर हम ट्रेड ले सकते हैं। पहला टूल हो गया हमारा 200 का मूविंग एवरेज। मैं आपको बहुत सारा केस स्टडी दिखाऊंगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे। अगर 200 मूविंग एवरेज के आसपास डोजी बनता है हम वहां पे बनेंगे कि ट्रेंड का भी रिवर्सल हो रहा है, वहां पे हम बाय एंड नहीं तो सेल, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा हॉरिजेंटल बाउंड्री, ओके। प्राइस एक्शन के हिसाब से हॉरिजेंटल बाउंड्री बनना चाहिए। अगर हॉरिजेंटल बाउंड्री के आसपास आकर डोजी बनता है वहां पे हम ट्रेड लेंगे। कैसे लेना है मैं आगे आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास
हमारा डोजी बनना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया ट्रेनलाइन का सपोर्ट, यहाँ पे बना था डोजी। ओके, डोजी को हाई को ब्रेक करने के बाद एंट्री, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, जो कि आगे हम अभी कवर करेंगे। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ए भी वाप के आसपास। ए भी वाप क्या है? अंकर भी वाप। ओके, अंकर भी आपके आसपास अगर डोजी बनेगा वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं। एंड अंकर भी आप क्या है एंड उसका इन डेप्थ एनालिसिस एक वीडियो है चैनल में, एंड उसी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी वीडियो के बाद देख लीजिएगा, उसके बाद आप अंकर भी के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस समझ पाएंगे। आपको इस फोर टूल को यूज करना है। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, 200 का डीएम है, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, ट्रेन लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस, एंड अंकर भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जो कि मैं आपको बहुत सारे केस स्टडी के साथ अभी दिखाऊंगा। तो चलते हैं अभी चार्ट के। आपका मन में पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जब भी हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या रहेगा। देखिए, टाइम फ्रेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप आवर्ली यूज कर सकते हैं, 5 मिनट का यूज कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं या वीकली यूज कर सकते हैं। लेकिन डेली एंड वीकली में इसका सक्सेस रेशियो हाई है, एंड मैं हमेशा से जब भी पोजिशनल ट्रेड लेता हूँ मैं यहाँ पे डेली एंड वीकली को प्रेफर करता हूँ। आवरली में मैं नॉर्मली ट्रेड करता नहीं हूँ पोजिशनल ट्रेड। अगर इंट्राडे करना है तो वहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ 5 मिनट के बेसिस के ऊपर, लेकिन उसका सक्सेस रेशियो लो है। इसलिए आप हमेशा से प्रेफर कीजिएगा डेली एंड वीकली। तो देखिए, हमारा जो पहला केस स्टडी है, स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ वीकली। डेली एंड वीकली का सक्सेस रेशियो हाई है। जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप एंट्री करेंगे सक्सेस रेशियो उतना लो रह जाए। देखिए, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री हमारा टूल क्या क्या था, इस लेवल के आसपास अगर डोजी बनेगा तो हमको एंट्री करना है, नहीं तो वहां पर हमको छोड़ देना है। यहाँ पे बना है, देखिए हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, नीचे ब्लू लाइन के आसपास फोकस कीजिएगा। ए हो गया स्टॉक के लिए हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, मतलब प्राइस जहां से कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया होगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट ले चुका था एंड यहाँ पे बना था डोजी। जैसे ही डोजी बन जाएगा, डोजी का हाई को जब प्राइस ब्रेक करेगा आप वहाँ पे एंट्री करेंगे। डोजी बन जाने के बाद बिल्कुल एंट्री मत कीजिएगा, एक बार उसी डोजी का हाई को ब्रेक करने दीजिए एंड उसी डोजी का लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। सिंपल है, आपको डोजी के हाई के ऊपर एंट्री करना है, डोजी के लो के नीचे स्टॉप लॉस देना है। देखिए, डोजी यहाँ पे क्या दर्शाता है, देखिए प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड ये हो गया स्टॉक के लिए एक डिमांड जोन एंड ऑयल डिफाइंड बाउंड्री। एंड डिमांड जोन के आसपास जैसे यहाँ पे डोजी बन गया, इसका मतलब ये था कि ये जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, इसी डाउन ट्रेंड में अभी हमको पॉज देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल तभी होगा एंड रिवर्सल तभी कन्फर्म होगा जब उसी डोजी के हाई के ऊपर प्राइस ब्रेक कर देगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन बाइंग हमको चाहिए। ये तो हो गया ट्रेंड पॉज का साइन है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल का साइन तभी मिलेगा जब और एक दिन बाइंग आएगा, मतलब और एक दिन बाइंग करके डोजी का हाई को प्राइस ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, जो कि बहुत ही सिंपल है। बस आपको बीच में एंट्री करना नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डोजी बना है, यहाँ पे भी डोजी बना है, इनका काम कुछ नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइम बहुत सारे ट्रेडर का गलती होता है कि वो कहीं पर भी डोजी में एंट्री कर लेते हैं। बीच में डोजी बनेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ एंट्री करना है जो हमारा चारों टूल है उसी लेवल के आसपास। एंड हमेशा से कैंडलस्टिक के बेसिस के ऊपर लॉन्ग साइड ट्रेड लीजिएगा, शॉर्ट साइड आप कैंडलस्टिक के बेसिस के ऊपर मत लीजिएगा। शॉर्ट लेना है तो आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो इंडेक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉक में शॉर्टिंग करना मैं इतना प्रिफर करता नहीं हूँ। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है एस्कॉर्ट्स का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ डेली। अभी हम क्या एनालिसिस किए थे, ऑयल डिफाइंड बाउंड्री के आसपास जहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पे प्राइस 3 बार सपोर्ट ले चुका था एंड यहाँ पे बना था डोजी। एंड डोजी जैसे बन जाएगा, उसका हाई को जब ब्रेक करेगा एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। आपका टारगेट क्या रहेगा, मिनिमम टारगेट रखना है 1:2, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 4 पॉइंट का होगा ना, तो आपका टारगेट बनेगा 8 पॉइंट का। आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उससे डबल मिनिमम टारगेट रखिएगा। उसके बाद आप बैलेंस क्वांटिटी को धीरे धीरे करके ट्रेल कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करके, लेकिन मिनिमम आपको स्टॉप लॉस से डबल टारगेट रखना है। मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे।
अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉक के ऊपर। देखिए प्रीवियस दो केस स्टडी में हम हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को कवर किए थे एंड अभी देखिए हम ट्रेन लाइन का केस स्टडी लेंगे। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन हुआ है मेट्रो ब्रांड्स का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ वीकली। देखिए जो ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। देखिए इस ब्लू लाइन को प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट कर रहा था एंड एग्जैक्टली वही ट्रेन लाइन के आसपास देखिए यहाँ पे डोजी बना था एंड एज पर आवर रोल अगर कभी भी ट्रेन लाइन के सपोर्ट के आसपास डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है एंड उसी कैंडल का हाई को प्राइस ब्रेक कर देगा हमारा वहाँ पे एंट्री रहेगा एंड लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट रहेगा जितना भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उससे डबल। अगर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का हमारा टारगेट वहाँ पर रहेगा 20 पॉइंट का। 1:2 हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं एंड डोजी का हाई को प्राइस ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है एंड डोजी का लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंकआउट व्यू आपका सपोर्ट। अंकआउट व्यू आपको यूज करके कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं डोजी कैंडल को यूज कर। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन हुआ है ISTC का एंड चार्ट के ऊपर मैं यहाँ पे प्लॉट किया हूँ अंकआउट व्यू एंड अंकआउट भी आप क्या है एंड इसको कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं ऑलरेडी हम डिटेल्स में एनालिसिस किए हैं उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अंकआउट भी आप देखिए प्लॉट कर देने के बाद मेजर सपोर्ट के आसपास अभी मैं डेली टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर लेता हूं। तो देखिए जो ब्लू लाइन जा रहा है ये हो गया अंकआउट भी आपके सपोर्ट। ओके देखिए अंकआउट भी आपके सपोर्ट के आसपास प्राइस ने यहां पे बनाया था डोजी। ओके जैसे ही डोजी बना दिया डोजी का हाई के ऊपर हमको एंट्री करना है डोजी के लो के नीचे हमको स्टॉप लॉस देना है एंड जितना भी स्टॉप लॉस बनेगा मिनिमम उसके डबल टारगेट रखिएगा एंड उसके साथ टाइम के साथ धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। हमारा जो फोर्थ टूल था 200 का मूविंग एवरेज उसी का केस स्टडी एक बार देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन हुआ है हीरो मोटोकॉर्प का एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ डेली ये जो रेड लाइन यहाँ पे जा रहा है ना ये हो गया 200 का मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करने के बाद शार्प पुल बैक करके 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा एंड 200 मूविंग एवरेज के आसपास डोजी बनेगा वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के साथ पुल बैक कर रहा था एंड एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे डोजी बनाया। जैसे ही प्राइस डोजी का हाई को ब्रेक करेगा हमको एंट्री करना है डोजी का लो के नीचे स्टॉप लॉस देना है एंड नेक्स्ट देखिए इतना बड़ा मूव हमको यहाँ पे कैप्चर करने को मिल जाएगा लेकिन हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी उसको मैनेज करना है एंड जैसे कि हमारा 1:2 का टारगेट है तो उसी हिसाब से प्रॉफिट बुक करके पार्शियली बाकी को ट्रेल कर सकते हैं। मानिए किसी भी वजह से प्राइस 200 मूविंग एवरेज को इस टाइप का हॉरिजॉन्टली कंसोलिडेशन कर लेता है उसके बाद अगर इस डोजी बनेगा इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे हमको एक शार्प पुल बैक चाहिए इस टाइप का डायरेक्ट आकर 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करना चाहिए। कंसोलिडेशन कर लेगा तो वहां पे उसका जो पावर है बाउंस का वो रिड्यूस हो जाएगा उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे डोजी को कैसे यूज करना है। अगर आपका कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। Thank you for watching.